बोलो संदीप ये शॉट है ना, यहाँ पे ये पूरा मैच होगा इधर के संदीप बोलो पीछे बस वो बाजू वाला दुकान जो उसको बाजू वाले को
बहुत काम कर रहा था मैं महसूस। काफी बार हिट एंड मिट का सीन होते रहा है, फाइनली मिल गए ईशानी और रणबीर ऑफ स्क्रीन भी और ऑन स्क्रीन भी। क्या कहना है? क्या बहुत हमने बहुत एक्स्ट्रा हिट एंड मिसेस कर लिया एंड मतलब लिमिट हो चुकी थी हिट एंड मिस। एवरी थर्ड करते हैं, एवरी थर्ड हम हिट एंड मिस करते हैं, नेवर द लेस को मतलब सीन्स के रिक्वायरमेंट हो गया। एग्जैक्टली हां, सो लेकिन अब फाइनली हमने देख लिया एंड फाइनली जब ऐसे रणबीर मेरी तरफ बढ़ता है, हम एक दूसरे को ऐसे देख लेते हैं, फाइनली जब वो खुश होकर मेरी तरफ बढ़ते हैं कि अरे अरे शी इज अलाइव, तब एक शिव करके कार आती है, फक करके उसको उड़ा देती है, टप करके उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कैसे उड़ाती है? शिव करके पता नहीं। क्या रणबीर क्या कहना? किस बारे में? किस बारे में? काफी टाइम बाद मिले। सेकेंड टाइम आंसर निकलता नहीं है ना, रुक जाओ। जब मैंने पहली बार ईशानी को देखा तो मतलब वो स्टंट कम्प्लीटली की जिंदा है मेरी नज़रों में तो मर चुकी थी, कहाँ से वापस आ गई। एंड उसके मतलब दिल में फिर से एक होप आ जाता है कि शायद ये वापस यू नो ईशानी के पास चला जाए और ईशानी वापस उसकी ज़िंदगी में आ जाए, तो इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि वो ट्रैफिक देखता नहीं है और आजू बाजू कुछ देखता नहीं है और सीधा भागता है ईशानी की तरफ और जोर से कार आती है और उसे उड़ा देती है। हर बार रणबीर को ईशानी को पाने के लिए या ईशानी से मिलने के लिए कुछ ना कुछ बड़ी कीमत चुकानी ही पड़ती है, आज भी यहाँ ऐसे ही कुछ देखने मिल रहा है। हाँ, ये रणबीर की किस्मत से जुड़ा हुआ है, उसे कुछ भी पाना होता है तो उसे आसानी से मिलता नहीं है। जब भी ईशानी उसके करीब आती है तब कुछ ना कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जहाँ हम लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जब एक दूसरे के पास आते हैं तो आप लोग देखते नहीं हो तो इसलिए जुदा करना पड़ता है ताकि आप और देखो, तो इसलिए अभी जुदाई चल रही है। जैसे आप और विश करोगे कि हम एक दूसरे के पास आए तब एक्चुअली हम बुलाएंगे। ईशानी टिटो। अच्छा, कितना डिफिकल्ट होता है इतनी धूप में आउटडोर शूट करना करने? आस्क मी, आई एम वेयरिंग अ थ्री पीस सूट, उसके अंदर एक बनियान है, तो मतलब ये अंदर एक बनियान है, उसके ऊपर एक शर्ट है, फिर ये वेस्ट कोट है, फिर ये कोट है। ऑफ कोर्स इसके लिए तो बहुत टफ होता है, और ऊपर से इतनी गर्मी। एग्जैक्टली, एंड सन की वजह से एक्सप्रेशन नहीं आ पाते मेनली, बिकॉज आइस के अंदर ऊपर सन पड़ रहा था, देखो पता है। अभी एक शॉट था जहाँ पे मुझे जमीन पे लेट के ईशानी को ऊपर देखना था और ऊपर डायरेक्ट सन था, मुझे आंखें खोलने नहीं पड़ी और ऊपर से एक मॉन्स्टर फैन लगाया हुआ था, सारी धूल मिट्टी आंखों में जा रही थी और सर बोल रहे थे कि आंखें खोलो। मैंने कहा सर खोल ही नहीं रही, एक्सप्रेशन लाओ, ईशानी को देख रहे हो पहली बार। सर मैंने कहा सर मुझे दिख ही नहीं रही है, मेरी आंखें बंद हो रही है। ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है इस आउटडोर धूप में शूट करने का, बट करना पड़ता है, इट्स डिफिकल्ट। लेकिन हाँ, हम लोग मजा भी आता है इसी चीज में क्योंकि इलावा जॉब हो तो इस ऐसी गर्मी में इस धूप से बचने का कोई इलाज या फिर कुछ ऐसा खाने पीने में कुछ लेते हो? हम लोग टैंक पीते रहते हैं या फिर आज जैसे हम लोग कुल्फी खाई, गुलकंद कुल्फी, बड़ी टेस्टी, बड़ी मस्ती, जो मेरी माँ और उसकी सास लेकर आई थी। एक सास अम्बा लेकर आई थी, बड़ी टेस्टी थी, बड़ा मजा आया। तो वो ऐसे ही धूप में टाइम पास करते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं सारा। अपने फ्रेंड्स को क्या कहना है? फाइनली आप कुछ भी देखने को मिलेंगे एंड एक्साइटेड तुम ऐसा है नो, बट या सो या कीप वाचिंग मेरी आशिक तुम से एंड कीप लविंग इट बिकॉज़ वी कीप एंटरटेनिंग यू। डिटो, लव यू, थैंक यू, बाय।